अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बाइनेंस लॉन्च पूल के अंदर एक नया प्रोजेक्ट लिस्ट होने जा रहा है जिससे बहुत जबरदस्त बेनिफिट आपको मिलने वाला है। फ्री के अंदर आप यहां पर टोकन्स गेन कर सकते हैं। कैसे गेन करने हैं मैं आपको अभी सिस्टम पर बता देता हूं। यहां पे मैंने बाइनेंस एप्लीकेशन जो है इसे ओपन कर लिया है। मैं आपको उसके बाद मोबाइल पे भी लेके जाके प्रैक्टिकली भी ये करके दिखाऊंगा कि कैसे आपने यहां से बेनिफिट लेना है, कैसे आपने इसमें जो ये लॉन्च कूल आ रहा है आपने कैसे इसमें अप्लाई करना है। मैंने खुद भी अप्लाई करना है, मैं लाइव आपके सामने अप्लाई करूंगा ताकि आपको भी इस चीज का पता चले। फर्स्टली आप समझ लें थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि अगर आपको किसी चीज का पता होगा कि भाई ये चीज क्या है, इससे बेनिफिट कैसे लिया जा सकता है, तो देन आप उसे अच्छे से कर सकते हैं। फर्स्टली तो यहाँ पे बाइनेंस एप्लीकेशन अगर हम ओपन करते हैं, लॉन्च पैड और लॉन्च पूल का ऑप्शन मिलता है, तो वहां पे हम जाते हैं। तो फर्स्टली आप यहाँ पे देख लें, हमें यहाँ पे नजर आ रहा है पिक्सेल कॉइन है, ये लिस्ट होने जा रहा है। यहाँ पे आप इसे दो कॉइन्स को स्टेक करके ये फ्री में अर्न कर सकते हैं, FUDUSD को और BNB को। ठीक है, BNB को स्टेक कर ले, इसको स्टेक कर ले, इसके ऊपर आपको रिवॉर्ड के अंदर ये कॉइन्स दिए जाएंगे। अब ये मतलब होता क्या है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जब आप स्टेकिंग करते हैं BNB की फॉर एग्जाम्पल, उसके ऊपर आपको यानी कि ये 100 पिक्सल्स मिल जाते हैं कॉइन्स। ठीक है, जैसे ही आपको मिल जाएंगे इनकी प्राइस होगी 0.10 सेंट फॉर एग्जाम्पल होती है। जब ये मार्केट में लिस्ट होंगे 8 डेज जो है वो अभी बाकी है इसके लिस्ट होने में। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट 14 आवर यानी कि 9 डेज ऑलमोस्ट बनते हैं। ये 9 डेज जो है ये सिर्फ बाकी है, 9 डेज के बाद ये लिस्ट हो जाएगा, देन इसकी प्राइस में एकदम से बूम देखने को मिलता है। जैसे आपने रिसेंटली वाटा कॉइन देखा, जैसे ही लिस्ट हुआ उसके बाद कितनी प्राइस अप गई। अगर आपने स्टार्ट पे आपके पास वो होते जब प्राइस अप गई थी तो आप उसे सेल कर सकते थे, अच्छा बेनिफिट ले सकते थे। सेम एज इट इज ये होने वाला है, ये बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, इसे आपने मिस नहीं करना। ये मैं कहता हूं फ्री के अंदर आपको इजिली यहाँ पे $100 to $50 तो आपको इजिली मिल सकते हैं बहुत आसानी के साथ। अब देखें फर्स्टली यहाँ पे जब आपने अप्लाई करना है तो आपको फ्री में मिलकर जैसे ये लिस्ट होगा ठीक है, देन आप इसे सेल कर दोगे, अपना प्रॉफिट गेन कर लोगे, कुछ भी नहीं। अगर ना भी आप करोगे तो 10 दिन के बाद जो आपने स्टेकिंग की ऑटोमेटिकली बाइनेंस यहां से विड्रॉ करवा के आपके वैलेट में सेंड कर देगा। सही हो गया। अब थोड़ा सा इसका मैं आपको डिटेल के बारे में बता दूं। यहां पे इनका देखिए पिक्सेल का व्हाइट पेपर है, ठीक है, वेबसाइट है इनकी। अगर फर्स्टली वेबसाइट को थोड़ा सा विजिट कर लेते हैं तो ये बेसिकली गेमिंग का प्रोजेक्ट है। तो यहां पे आप प्ले फॉर फ्री, ठीक है, अगर यहां पे आप ये कुछ गेम्स वगैरह है इन्हें फ्री खेलते हैं तो आपको फ्री में कॉइन्स इनको खेलने में भी मिल सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कुछ फ्री टाइम है तो आप ये गेम वगैरह इनकी खेल सकते हैं जिसमें आपको फ्री में टोकन दिए जाते हैं। उसके बाद यहां पे ज्वाइन दी कम्युनिटी, आप इनकी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे आपको जितनी भी अपडेट्स है वो मिलती रहती है। ठीक है, टाइम 10 डेज का, ये 10 डेज का इनका टोटल पीरियड है, तो अभी 8 डेज जो है वो लेफ्ट है, तो आप जल्दी से इसे ज्वाइन कर लें ताकि आप जितना ज्यादा इसे लॉन्ग टर्म यानी कि करेंगे होल्ड उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अगर 8 दिन करते हैं तो ज्यादा रिवॉर्ड है, अगर 5 दिन जितने कम दिन करेंगे उतना कम रिवॉर्ड मिलेगा। तो उसके बाद अब आपने यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, बाइनेंस इज एग्जिस्टेड, ठीक है, 46 प्रोजेक्ट बाइनेंस लॉन्च हुआ। ठीक है, ये बाइनेंस का 46 प्रोजेक्ट है जो आप इसने लॉन्च पैड पे किया है, ये वेब 3 का प्रोजेक्ट है। ठीक है, और उसके बाद आप 2 कॉइन्स की स्टेकिंग करके इसको गेन कर सकते हैं, BNB और FDUSD। ठीक हो गया, और जैसे ही बाइनेंस पे लिस्ट होगा किसी पिक्सेल USD, पिक्सेल BNB, पिक्सेल FUD, पिक्सेल ट्राइडी का 5 पेयर जो है ये बाइनेंस पे लिस्ट किए जाएंगे। जैसे ही ये लिस्ट होता है ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 5 पेयर जो है वो बाइनेंस पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद दिस सीड टैग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्टली लोगों को इसके बारे में नहीं पता। सीड टैग विल अप्लाइड टू पिक्सेल, ठीक है, ये बाइनेंस की तरफ से बेसिकली एक डिस्क्लेमर होता है, सीड टैग्स होता है कि वो वाले कॉइन्स, अगर ये कॉइन मतलब अभी लॉन्च हुआ है तो ये मतलब आपको मिल रहा है 0.10 सेंट का, तो हो सकता है ये नेक्स्ट डे $2 तक भी जा सकता है, इतना बड़ा पंप भी ले सकता है। लेकिन हो सकता है ये वहां से 0.1 सेंट पे भी आ जाए, एकदम से लो भी लगा सकता है, यानी कि ये बाइनेंस की तरफ से डिस्क्लेमर होता है कि आप ज्यादा यहाँ पे कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें ताकि आप किसी बड़े लॉस में ना फंसे, क्योंकि ये सीड टैग होता है, ये बेसिकली डिस्क्लेमर होता है। मोस्टली अगर आप कॉइन्स देखें, कोई भी कॉइन ऐसा नहीं है जो मार्केट में लिस्ट हो पता कि बाइनेंस जैसी एप्लीकेशन पे लिस्ट हो और वो नीचे गिर जाए, नहीं, कुछ दिन तो वो आपको अच्छा प्रॉफिट देगा, तब आप सेल करके अपने कॉइन्स में प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसने बता दिया है लॉन्च पूल की, ठीक है, टोटल सप्लाई कितनी है, इनिशियल सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी होगी। अगर आपने बाइनेंस एप्लीकेशन इंस्टॉल की है तो उसकी KYC आपने जरूर करनी है अपने ID कार्ड से, ठीक है, देन ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बाइनेंस एप्लीकेशन कहीं से भी आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उससे ज्वाइन करें। ठीक है, आप इंशाल्लाह हम आपको लाइफ टाइम सपोर्ट भी करेंगे। उसके बाद यहाँ पे BNB पूल, ठीक है, ये कितने पिक्सल मिलते हैं, ठीक है, और उसके बाद FUDC क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेक BNB और स्टेक FUD, ओके, ठीक है, ये सारी डिटेल जो है उसने यहाँ पे हमें बता दी है, आप यहाँ पे इसकी वेबसाइट पे रीड भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी मोबाइल पर चलते हैं
और प्रैक्टिकली इस लॉन्च पूल में अपने मोबाइल से ऐड होते हैं। अभी मैंने यहाँ पे अपनी बाइनेंस एप्लीकेशन ओपन कर ली है, जस्ट आपने इसे ओपन करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे मोर का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने इस पे चले जाना है। यहाँ पे आप थोड़ा सा इसे स्क्रॉल करेंगे डाउन की तरफ तो आपको यहाँ पे लॉन्च पूल का ऑप्शन जो है वो नजर आएगा। ये देखें, यहाँ पे आपको लॉन्च पैड, लॉन्च पूल, ठीक है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन नजर आ रहा है उस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे लॉन्च पैड का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे चेक कर ले, पिक्सल कॉइन हमें नजर आ गया और 8-3 यहाँ पे हमें बता रहा है कि अभी लेफ्ट है। उसके लिए अब आपके पास इन दोनों कॉइन्स में कोई भी कॉइन आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, FD, USDT या BNB, ठीक है। अभी मेरे पास यहाँ पे BNB अवेलेबल है, नहीं तो अगर आपके पास नहीं है तो आप बाय कर सकते हैं, अपने स्पॉट वैलेट में रखें, ठीक है। स्पॉट वैलेट में रखने के बाद आपने यहाँ पे स्टेक के बटन पे क्लिक करना है। दोबारा मैं यहाँ पे BNB पूल के सामने दोबारा स्टेक लिखा है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे मेरे से वो पूछ रहा है कि भाई कितने BNB आप यहाँ पे होल्ड करना चाहते हो। मेरे पास 2 point something है, मैं 2 लिख देता हूँ, ठीक है, मैं 2 BNB जो है वो यहाँ पे स्टेक करूंगा। उसके बाद स्टेक के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप चेक कर ले, सक्सेसफुली स्टेक जो BNB, अब मेरे BNB जो है, 2 BNB जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पे स्टेक हो चुके हैं। मैं एक दफा अगर बैक आता हूँ थोड़ा सा तो यहाँ पे आप देख लें 50 seconds जो है वो लेफ्ट है, जैसे 50 seconds जो है वो कंप्लीट होंगे तो मेरा यहाँ पे ये 100% कंफर्म हो जाएगा कि मेरे 2 BNB जो है वो स्टेक हो गए हैं। उसके बाद अगर आप इन्हें विड्रॉ भी करवाना चाहते हैं तो आप किसी भी टाइम विड्रॉ करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जरूरत है तो लॉन्च पूल के ऑप्शन पे जाएंगे, अभी ये कुछ ही टाइम के बाद देखें यहाँ पे ये मेरा वेरीफाई होता है ना, तो ये अभी टाइम चल रहा है 30 seconds, जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद आपको यहाँ पे विड्रॉ करने का भी ऑप्शन दे देता है कि आप इसे विड्रॉ भी करवा सकते हैं, अगर आप मतलब अगर आपको जरूरत है तो फौरन आप इन्हें विड्रॉ करवा ले। मैं यहाँ पे और बता दूं कि अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से आपने यहाँ पे स्टक हो जाते हैं, विड्रॉ नहीं होते, तो भाई ये 10 days का टाइम है, 8 days लेफ्ट है, ठीक है। 8 दिन के बाद ऑटोमेटिकली जितने भी आपके कॉइन्स होंगे विद प्रॉफिट जो है वो बाइनेंस आपको रिटर्न कर देता है। यहाँ पे देख लें, ये टाइम खत्म हो गया। अब मैं दोबारा अगर इन्हें चाहता हूँ, नहीं यार मुझे ये वापस चाहिए, मैं विड्रॉ करवाना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप देख लें माई स्टेक 2 BNB, मैं जस्ट यहाँ पे BNB पूल पे क्लिक करूंगा, ठीक है। उसके बाद ये देख ले, यहाँ पे रीडमी का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मेरे जो 2 BNB है ये दोबारा वापस मेरे वैलेट में चले जाएंगे, ठीक है। रीडमी का मतलब होता है कि विड्रॉ करवाना, यहां से मैं दोबारा विड्रॉ करवा लूंगा। अभी मैं विड्रॉ नहीं करवाना चाहता तो ये मेरे यहाँ पे 2 BNB जो है वो स्टेक हो गए हैं, ठीक है। ये अभी 8 दिन टाइम अनटिल फॉर्मिंग एंड्स, ठीक है, तकरीबन 8 दिन और 14 घंटे जो है वो बाकी, अभी यहाँ पे 8 days और 14 hours जो है वो लेफ्ट है। जैसे ये कंप्लीट होंगे मुझे रिवॉर्ड के साथ 2 BNB जो है वो वापस मिल जाएंगे और ये जो पिक्सल कॉइन है ये मुझे यहाँ पे मेरे वैलेट में नजर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको बैक क्लिक करता हूँ, ये देखिए वैलेट का ऑप्शन है ना, यहाँ पे स्पॉट में आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये पिक्सल कॉइन भी आपके आना स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद आप इजिली ट्रेड में जाएंगे, ठीक है। ट्रेड में जाने के बाद यहाँ पे पिक्सल USDT का पेयर आ जाएगा, आप पिक्सल USDT के पेयर को सिलेक्ट करेंगे और अगर आप सेल करना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और सेल और उसके बाद मार्केट प्राइस सिलेक्ट करेंगे, जो भी मार्केट प्राइस उस टाइम चल रही होगी 100% करके इसे सेल कर देंगे तो आपके पिक्सल USDT जो है वो सारे के सारे सेल हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जब ये नया कॉइन मार्केट में आते हैं ना तो कुछ दिन के लिए अप जाते हैं उसके बाद डाउन करना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसलिए जो भी आपको रिवॉर्ड में पिक्सल्स मिलते हैं आप फौरन से उन्हें सेल कर दें, ठीक है। 1 day रखें अपने पास, 1 दिन मार्केट ऊपर जाएगी, 1 दिन, ठीक है, 1 दिन के लिए होल्ड करें, उसके बाद उन्हें सेल कर दें, ठीक है, वो सारा आपका प्रॉफिट ही होगा। तो ये कंप्लीट सिनेरियो होता है किसी भी चीज में, किसी भी पूल में अप्लाई करने का, ये मैंने अप्लाई करके दिखा दिया, ठीक है। अभी डिस्क्रिप्शन में मैंने बाइनेंस का लिंक दिया है, फौरन से जाए, अब अगर आपने इंस्टॉल नहीं की तो फौरन से इंस्टॉल कर ले, अगर आपने की है और फौरन से जाके इसमें अप्लाई कर दे, ठीक है। ये बहुत जबरदस्त ऑप्शन है, फ्री के अंदर आपको टोकन मिल रहे हैं और बहुत अच्छे टोकन यहाँ पे फ्री में मिलेंगे। तो इंशाल्लाह मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर फॉलो कर ले। अगर फ्री में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो भाई बहुत जबरदस्त वीडियोस मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है, जरूर देखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि यार ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं आपके लिए, तो ये सिर्फ आप वीडियो को एक लाइक कर दिया करें, करने के बाद अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो यार वेल एंड गुड है, ये आपकी तरफ से मोहब्बत होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।